ये दशा है। एक बार हम भागवत कह के जा रहे थे, रास्ता में रोड पर बहुत लंबी औरतों की भीड़ लगी। मैंने सोची कोई मेला ठेला है, देखो जाके अंदर देखा तो तमाम धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ रही, खीर पूरी पूरा जलेबी बहुत चढ़ रही। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले सड़क की पूजा हो रही है। मैंने कहा सड़क पे कौन से देवता रहा था? बोले अरे तुम शास्त्री हो, तुम जानते ही ना। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई, अपनी जीव चटापो खाए रही सड़क पूज मेला, यानी औरत की जीवन ने खुजिया नहीं, कोई ना कोई पूजा फट चालू हो जाते हैं। अपनी जीवन को खाए रही सड़क पूज मेला में, लड्डू पेड़ा बालू साई अरे खूब बैठ के खावे रे लक्की दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है रे लक्की दुनिया। अंधविश्वास तो आज भी है हमारे देश में, और अंधविश्वास हम हिंदुओं में, हम हिंदुओं की औरतों में। हम हिंदुओं में ये नहीं पता कितने देवता, किसी के घर में लड़का पे आधी किलो जलेबी और भाई कहो कि 15-20 तो होता है। एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था, एटा में अस्पताल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का, भाई 4 पहले से थे हो गए 9, और एक आध बार भगवान की ऐसी दुआ फिर हो गई। तो खूब जलेबी खाई, खूब खाई, जब ना पची तो खेत ना मिले, खरंजे ही बिगड़ डाले। खूब पूजा भाई, एक पूजा और भाई, कौन सी पूजा? माई अपने भांजे को दूध पिलाई, भाई काय के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में 50 रुपया को 1 लीटर दूध, 500 रुपया की साड़ी, 450 रुपया नगद फायदा। सोम सवेरे उठे 5 बजे, आंखें मिचमिचात भाई उठे, सब देखो भाई माई कमंडला लटका चली आई। मैंने कहा माई सवेरे सवेरे कैसे आई? बोले आए का लला, हम तुम्हें दूध पियाना आए। मैंने कहा हम लला आए सो, मां तुम्हारा तुम्हारा दूध पिए बच्चा आए। बोले अपन थोरो वो चलो है सो। मैंने कौन सो चलो? ऐसी पूजा। एक बार घरोर में एक बाबा जी ने औरतों को भड़का दिया, बोले के जिनके एक भैया है वो अपने पति की चांद में 4 चप्पलें मारे, और ना मरे हो तो भैया मत जाए। हमने तो समझा दिया, मैंने कहा भैया रात में हिसाब से सुइयो, पता ना पूजा है कितने घंटे चालू हो जाए। तो कहने का मतलब है अंधविश्वास है। भगवान बोले बाबा हम तो